गर्ली बॉय एक्टर रणवीर सिंह आजकल काफी बिजी चल रहे हैं। वजह है बैक टू बैक मूवीज मिलना। बता दें कि रणवीर इस समय प्रोफेशनल लाइफ में काफी आगे बढ़ रहे हैं। अक्षय के साथ मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सूर्यवंशी करने के बाद उनकी ऐसी लॉटरी लगी है कि ना सिर्फ उन्हें एक के बाद एक अच्छे कई प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बल्कि आलम ये हो चला है कि उन्हें इसी के चलते अपनी फीस तक बढ़ा दी है। जी हाँ, रिसेंट आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी सर्कस के लिए 75 डेज का एक शूटिंग करने वाले हैं। इस हिसाब से वो हर एक दिन के लिए 66 लाख पर डे चार्ज करेंगे। इस फीस को देखा जाए तो रणवीर सिंह इस वक्त सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक रणवीर सिंह सालाना करीब 118 करोड़ रुपए कमाते हैं। भारत के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की लिस्ट में भी वो 7th पोजीशन पर है, जबकि इससे एक साल पहले यानी 2018 में वो 18th पोजीशन पर थे। हालांकि 2020 में कोरोना काल की वजह से उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन अब उनकी अक्षय अजय की मोस्ट हाइप मूवी सूर्यवंशी थिएटर्स में हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अक्षय फिल्म के मेकर्स अब थिएटर में 100% ऑक्युपेंसी की परमिशन मिलने से काफी खुश है और 2 अप्रैल को इसे रिलीज करने पर सहमति जता चुके हैं। हालांकि फाइनल रिलीज डेट का ऐलान अभी होना बाकी है। उसके अलावा रणवीर की एक और फिल्म भी सूर्यवंशी के बाद रिलीज की कतार में खड़ी है। यह है कपिल देव की बायोपिक 83, जिसमें एक्टर जल्द अपनी रियल लाइफ वाइफ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। यकीनन 2021 अक्षय संग काम करने वाले हर को स्टार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है और रणवीर को देखकर तो ये लगता है कि ये साल और आने वाला साल दोनों ही उनके लिए सुपर डुपर रहने वाला है। तो भाई आपका क्या कहना है इस पर, शेयर कीजिएगा अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में।